गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग को एक न्यू व्लॉग में। और अभी जैसे कि देख ही रहे हैं, घर जा रही हूँ, घर ही पहले ट्यूशन देन घर। आज मैं नहीं जाऊँगी डीके घर वापस, पूरा दिन घर पे रहूँगी। सो एक अकेले पूरे दिन में कैसे बिताती हूँ आज वो शेयर करते हैं। और हमारे पीछे ना ये काजू का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। पहाड़ी का ये फायदा है वैसे। ये हिबिस्कस का कलर देखिए। चलो घर पे मिलते हैं बाद में। A few moments later. हेलो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ गई। मैं तो घर पे आ गई ट्यूशन करके, और घर पे आके थोड़ा सो भी गई थी, आप लोगों से मिले ही नहीं। क्योंकि घर पे आके मैंने सोचा अभी तो मुझे कुछ काम भी नहीं है, और जो काम है मैं जल्दी जल्दी कर ही लूँगी, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, किससे बात कर करके लेजी करूँगी, है ना। तो मैं सो गई थी और अच्छे से नींद भी आ गया था। सो अभी ना मैं क्या करूँगी कि अभी मुझे चाय पीना है तो चाय बनाऊँगी, और फिर आज दोपहर का खाना भी रेडी करूँगी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊँगी। सो मेहंदी लगाने के लिए उससे पहले मुझे खाना रेडी करना ज़रूरी है, नहीं तो मेहंदी लगाने के बाद खाना बनाऊँगी कैसे, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से चाय भी बना लेती हूँ, इसके साथ ही खाना भी रेडी कर लूँगी। खाने में कुछ ऐसा नहीं बनाऊँगी, या तो मैं अंडे फ्राई करूँगी, नहीं तो मैं स्मैश पोटैटो खाऊँगी। ये ईजी होगा, चावल के साथ ही आलू डाल लूँगी तो ये हो जाएगा, उसके साथ चना, तो ये ईजी रहेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी से मैं मेहंदी भी लगा सकूँगी। सो बने रहिए, मैं अभी चाय पाय बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सो गई थी ना, एकदम मस्त लग रहा है, और आवाज़ थोड़ा ऐसे बैठ जाता है ना, अच्छा लगता है। और हाँ, वो क्या बोला था, आ गया ट्रेन में, बात करती हूँ ट्रेन आ जाता है। सो आज मैं घर पे आई थी इसके ये सोच के कि आज मैं मैं वापस नहीं जाऊँगी, शाम तक मम्मी आ जाएगी। लेकिन नहीं, अभी मम्मी ने फ़ोन किया कि आज हमें वापस भी जाना है, मतलब मुझे वापस जाना पड़ेगा, आज हम घर पे नहीं आ सकेंगे। सो दुख की बात यह है। और अभी मुझे सोती हुई इतनी भयंकर सपने आए कि मैं ऐसे जच्ची उठ गई। और कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ऐसा लगता है कि आपको सब पता है, लेकिन आप अपनी आँख नहीं खोल पा रहे हो, ऐसा लग रहा था, कितना दुखदायक है। चलो अभी मैं जल्दी से अपना काम करूँ। सो मेरा खाना भी बनाना हो गया, और चाय भी बना के लेके आ गई, ये रहा साइड में। सो अभी चाय पीऊँगी और मेहंदी लगाऊंगी। मैंने मेहंदी के लिए एक ऐसे सोच के रखा था कि मैं क्या लगाऊंगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं दूसरा कुछ देख के ट्राई करूंगी आज। सो वो आप लोगों को दिखा पाऊंगी कि नहीं, नहीं पता, क्योंकि मुझे डिज़ाइन भी देखना है और फ़ोन से वीडियो भी करना है, तो दोनों एक साथ एक फ़ोन से कहाँ होगा ना। सो देखते हैं क्या करूँगी। गाइस, स्टार्टिंग कर दिया है, और ये कितना अच्छा टर्न आउट होके आया है। मतलब मैंने थोड़ा हैवी सा डिज़ाइन ही चुना है इस बार, आप लोग ये मत बोलना कि दुल्हन की तरह लगाया है, लेकिन मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ ना, तो हैवी डिज़ाइन लगाऊँगी तभी तो मुझे अच्छे से आएगा। पूरा लगाऊँगी तो कितना सुंदर लगेगा। सो बने रहिए अच्छे से डिज़ाइन देखने के लिए। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ऐसे तो इतना पता नहीं चलता बैक कैमरा से।
और ये कितना अच्छा टर्न आउट होके आया है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक्चुअली बहुत अच्छे से लगाया था, लेकिन कितनी वक्त तक मैं उंगलियाँ ऐसे रखूँ मच्छर, इसलिए मेरा थोड़ा सा वहाँ पे से पिचक गया, जिसको मैंने सुधार लिया है। और बाकी कितना अच्छा से मैंने लगाया है, मुझे ना खुद पे ही इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं वीडियो कैमरा ऑन करके करती हूँ इतना अच्छा टर्न आउट नहीं होता, लेकिन अभी जो हुआ है ना, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव इट लव इट लव इट। देखिए, ये देख के ही मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को मैं अच्छे से पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक लाइन बनाया है मैंने फ्लावर का, देन ये एक टेढ़ा लाइन वही फ्लावर का, और फिर फिंगर्स पे भी सेम। इधर से देखने से ऐसे लगेगा कि आप एक के ऊपर एक है, ऐसे देखने से अलग, ऐसे देखने से आपको ऐसे पता चलेगा। बाकी का मैंने ऐसे ही मैंने कवर कर दिया। मेरा मेहंदी भी ख़त्म हो गया, कोन दूसरा मैंने अभी खोला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही लगाऊंगी तो बर्बाद हो जाएगा। कैसा लग रहा है, यही मेरा आज का थंबनेल भी होगा। आप लोग अभी बताइएगा कि मैं मेहंदी अच्छी लगाती हूँ कि नहीं। अभी मैं खाना खाऊंगी कुछ ही देर में, थोड़ा सा ये सूख जाए और फिर हम क्या करेंगे बताऊंगी। चलो इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। कैसा हुआ है गाइस, प्लीज़ बताइएगा। मुझे मोटिवेट तो आप लोग कर ही सकते हो है कि नहीं, बताओ। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल ऑन किया जो मैंने बोला था आप लोगों को? हाँ किया ना, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आप लोगों को, जल्द ही मिलूँगी कुछ अनोखी बातों के साथ ही। ये कैसा हुआ है प्लीज़ बताइएगा। ओ माय गॉड, मुझे कितना अच्छा लगाता है मेहंदी लगता है मेहंदी लगाते हुए। मतलब ये कैसा कलर आया या फिर टर्न आउट हुए, मुझे इसके मतलब नहीं है, लेकिन लगाते वक्त मुझे मज़ा आता है। कभी मैं वीडियो भी कर सकूँ तो होप सो। बने रही, मेरा खाना रेडी है और अभी मैं खाना खाऊंगी। खाने में आज मैंने क्या रेडी किया है वो दिखाती हूँ, उससे पहले मेरा मेहंदी फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा सूख गया है और अच्छा लग रहा है मुझे, कितना अच्छा लगता है ना। मैं आज खाने में मैंने क्या तैयार किया है मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल खाना है, दिखाती हूँ उसके बाद बताती हूँ ऐसा क्यों है। आज खाने में मैंने बनाया है सिर्फ साबल, देन इधर पे चना, एंड देन यहाँ पे स्मैश पोटैटो। ये किस लिए मैंने ऐसे रेडी किया है मैं बताती हूँ। क्या है कि मैं तो शाम को फिर से घर, मतलब दीदी के घर चली जाऊँगी, तो दिन में मैं ज़्यादा कुछ बनाऊँगी अकेले क्या ही खाऊँगी है कि नहीं, और फिर रह भी जाएगा कि एक जन का खाना तो आप बना नहीं सकते। इसके लिए मैंने ऐसे बनाया है कि ये खाना अभी वेस्ट भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि ऐसे तो हम लोग, मैं नॉनवेज की कितनी प्यारी आप लोगों को पता ही है, तो कभी कभी मतलब ऐसे खाना भी खाना चाहिए। ये आई थिंक 2 बार ही हुआ, इससे पहले एक दिन खाई थी, उस दिन भी आप लोगों को दिखाई थी, मिनी ब्लॉग में दिखाया था शायद, और आज फिर से खा रही हूँ। मतलब अच्छा लगता है कभी कभी, आप लोग ट्राई करना तो अच्छा लगता है। मैं अभी यही खाऊँगी। मुझे था कि मैं अंडा बनाऊँ एग, फिर लगा कि नहीं, एक तो मैं खाती ही रहती हूँ, कल रात को भी खाया, कल दोपहर को भी खाया, परसों भी खाया, तो शायद आज मुझे नहीं खाना चाहिए है ना। अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँगी, रेस्ट नहीं, एडिट करूँगी, बैठ बैठ के एडिट कर लूँगी अपना वीडियो, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, न्यू चार्ज लिपस्टिक लगाया है, काजल, और फिर ये टॉप, देन जीन्स और ये चप्पल। मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन, जल्दी से जाती हूँ, लेट हूँ एक्चुअली, और आज बड़ा वाला बैग भी नहीं लिया क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था लेने के लिए। चले मैं जल्दी से चलती हूँ, आज मैं थोड़ा लेट भी हूँ, जल्दी से जाते हैं, 2 ट्यूशन है करते हैं। वो मेहंदी मेहंदी ऐसा आया है, कल तक ये अच्छे से कलर भी आ जाएगा, अभी कलर आना शुरू हो गया है। मतलब मैं जल्दी जल्दी निकाल ली थी तो आप लोगों को दिखा नहीं सकी, कल सुबह दिखाऊँगी, कल के ब्लॉग में आप लोग देख लेना। चलो अभी मैं जल्दी से ट्यूशन जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, मैं आप लोगों से बात करना ही चाहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का बातें भी बताना चाहती हूँ। अभी
आ रही थी ये पीछे में। ओ गॉड गाइस, आज ना बारिश है ना कुछ और ना कुछ और, मैं रास्ते से आ रही हूँ, कोई बारिश वारिश नहीं है, कीचड़ वीचड़ कुछ नहीं है। मैं धड़म करके गिर गई। मेरे घर के पास जो भैया है उसको मैं देखा, ऐसे ऐसे बुलाया जस्ट, और मैं जो गिरी गाइस, मुझे जो लगा पत्थर पे मैं जो गिरी हूँ, मुझे खुद पे शर्म आ रहा है। थैंक गॉड कि सिर्फ वो भैया था, उसके सामने मुझे शर्म नहीं आता, लेकिन अगर कोई और देखता तो मैं कहाँ बोल चुका थी कि इस वेदर में मैं ऐसे गिरती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ मुझे रास्ते से बहुत डर लगता है, मैं कभी भी गिर सकती हूँ, और अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं गिरूँगी, गिर गई। गाइस जो मैं गिरी वो कितना शर्मनाक था, मैं क्या ही बताऊँ, शर्म से मैं पानी पानी हो गई। घर आई हूँ और चाय भी पी लिया। मेरा बेटा आज पूरा दिन मौसी को नहीं मिला था ना, तो दुखी था, अभी खुशी खुशी हो गया नजर। ओ क्या, मैं तो यार बाहर वेट कर रही थी, है ना बेटा? ओ सो अभी क्या करेंगे, अभी तो हम आज जीजू नहीं है, जीजू पूजा में गए हैं, तो अभी दीदी मैं और मम्मी हूँ और मेरा बेटा, सो वो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं मेरे बेटे के साथ खेली खेली कर रही हूँ। गाइस अभी हम खाते हैं खाना और आज के ब्लॉग से भी आपको बाय बाय करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ अलग डाला करो, गाइस मुझे जो आता है मैं तो वही डालूंगी ना। सो हम मिलेंगे कल, बाय बाय गाइस।